दोस्तों आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उनके निर्वाचन के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और उन पर लगने वाले महाभियोग के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वे भारत के राज्य प्रमुख होते हैं और देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति एवं कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि देश की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालती, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या अन्य किसी प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए एवं हर उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने होते हैं। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो यह राशि जब्त कर ली जाती है। 1997 से पहले प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 हुआ करती थी एवं जमानत राशि 2,500 रुपये हुआ करती थी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं अन्य सुविधाओं के बारे में। राष्ट्रपति का वेतन 5,08,000 रुपये होता है, जिसे 2018 में बढ़ाया गया। 2018 से पहले राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये वेतन के रूप में प्राप्त होते थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अन्य भत्ते एवं विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिसे उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। हालांकि किसी भी समय वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व संसद द्वारा महाभियोग चलाकर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष पूर्व होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन ने आरोप प्रारंभ किया है, एवं राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जो इन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने एवं अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि से अपने पद से हटना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, जिन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, वे भी महाभियोग में शामिल होते हैं, एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, महाभियोग में भाग नहीं लेते। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता के बारे में। राष्ट्रपति की अपनी पदावधि में मृत्यु हो जाने से या अन्य किसी कारण से अचानक पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, एवं यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और यदि उनका भी पद रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को 7 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1 कार्यकारी शक्तियां, नंबर 2 विधायी शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय शक्तियां, नंबर 4 न्यायिक शक्तियां, नंबर 5 कूटनीतिक शक्तियां, नंबर 6 सैन्य शक्तियां, नंबर 7 आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम एक अलग से वीडियो विस्तार से बनाएंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के शासक होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching.